और चलिए अब बात करेंगे लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर, जहां भाजपा ने प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। आज से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रचार की कमान को संभालेंगे। लखनऊ से लखीमपुर पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रचार थमने तक लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालेंगे। लखीमपुर में ही रहकर सारी रणनीति भूपेंद्र चौधरी तैयार करेंगे। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे गोला गोकर्णनाथ सीट पर। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक थे अरविंद गिरी, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी 31 तारीख को यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे अमन गिरी के पक्ष में। लेकिन उससे पहले लखीमपुर पहुंचेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रचार थमने तक लखीमपुर खीरी में ही भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो विजय तिवारी, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2012 में जो पहली बार विधायक बने, और दूसरी तरफ हैं अमन गिरी, जो कि अरविंद गिरी, जो यहां से विधायक थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार में जुटेंगे। प्रचार थमने तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो आज जनसभा को भूपेंद्र चौधरी संबोधित करेंगे गोला गोकर्णनाथ सीट पर। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे और 31 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद सीएम योगी चुनावी रैली करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री वहां चुनावी जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल ही लखीमपुर पहुंच जाएंगे। उनके अलावा कई मंत्री भी प्रचार करेंगे सीट पर। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। तो कई मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे, मुख्यमंत्री खुद जाएंगे, भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज ही पहुंच जाएंगे, वहां जनसभा करेंगे। यानी कि जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश से, वो जुट गए हैं इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण महासंघ ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। किसानों को सब्सिडी देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 2015 के शासनादेश की अनदेखी कर 2020 से डीबीटी बंद करने का आरोप है। किसानों की डीबीटी योजना में जमकर बंदरबांट का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ 45 जिलों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में घपले का आरोप है। 30 जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में घोटाले का आरोप लग रहा है। किसानों को पहले 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मुताबिक मिलते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।